को मालूम ही नहीं है देश में क्या हुआ है। कांग्रेस पार्टी को दूरबीन लेकर ढूंढना पड़े ऐसी स्थिति आ गई। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक के बाद एक के बाद एक 19 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी का फगवा लहरा रहा है। मित्रों 19 राज्यों में देश के 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं 70%। और राहुल बाबा तो यहां सरकार बनाने के लिए अपना राहुल बाबा राजस्थान में भाजपा की सरकार अंगद का पांव है, इसको कोई हिला नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी उनके भाषण सुनिए, उनके भाषणों के अंदर मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, मुझे तो कई बार मालूम पड़ता है, कई बार सवाल होता है कि राहुल गांधी कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं या मेरी पार्टी का प्रचार। हमसे ज्यादा मोदी जी का नाम राहुल जी दे। बहुत ही सफल जनसभा हुई, मुझे लगता है ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जोधपुर उस सभा में सम्मिलित होने आया हो। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, हमारे नेतृत्व को, वसुंधरा राजे जी को आज समर्थन की लहर हमें देखने को मिल रही है, पूरा विश्वास है कि समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2/3 बहुमत से ज्यादा से हम जीत के विजय की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और जो उत्साह कार्यकर्ताओं में, जनता में, समाज के हर वर्ग में देखने को मिल रहा है, आज मेरी भेंट हुई अजमेर में, बीकानेर में और अब जोधपुर में, पूरा व्यापारी समाज राजस्थान का भली भांति महसूस कर रहा है कि एक निर्णायक सरकार जिसने भ्रष्टाचार पे वार किया, जिसने सरल टैक्स की प्रणाली को प्रोत्साहित किया, जिसने ईमानदार सरकार के माध्यम से एक नया संदेश दिया और देश को एक नया मार्ग की तरफ, ईमानदार मार्ग और ईमानदार सोच को जो देश भर में लागू किया है, उसके समर्थन में आज पूरा व्यापारी समाज, उद्योग, उद्यमी, युवा पीढ़ी और हर एक वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो अलग प्रकार से काम करने वाले मजदूर हो, सभी के प्रयत्नों से, सभी के आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने।